बस आग भी आग देवंत बस यही कारण है। बिल्कुल, तो देखिए आप इनकी यहाँ पर सुन चुके हैं कितनी दर्द भरी कहानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका बोझ इनके कंधों पे है, तो इनके कहने के मुताबिक एक दूसरा कभी मदद करता है यहाँ पर, कभी कोई शख्स मदद करके जाता है, तो उसी तरह इनका गुजारा होता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अशफाक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी यूटी में, पूरी वादी कश्मीर में और वादी चिनाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ काफ़ी मौसलाधार बारिशें भी हो रही हैं, तो जिसकी वजह से अगर अमीरों को कहीं फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अक्सर जगहों पे देखने को मिल रहा है कि गरीबों के आशा उजड़ रहे हैं। जी हाँ, तो इस वक्त अगर हम बात करें इस वक्त की, ज़िला किश्तवाड़ के जो तहसील रापशाला है, तहसील रापशाला की पंचायत एक टटानी, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमें इतला मिली थी लगभग 1 बजे की, यहाँ पर एक गरीब बेवा है, तो इनका यहाँ पर मकान है वो मुनदिम हो चुका है, बारिशों की नज़र हो चुका है, बर्फबारी की नज़र हो चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ इनका। इनके शोहर जो थे वो आज से 5 बरस कबल इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गए थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके यतीम हैं, और इन सब की जिम्मेवारी इस औरत पर है। तो इन सब की जिम्मेवारी का बोझ लिए हुए साथ ही साथ इनका मकान भी गिर जाता है और तकलीफ़ों में कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है ये बखूबी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करूँगा, शायद ये उर्दू या हिंदी में नहीं समझ सकती होंगी, तो मैं कश्मीरी में इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं इनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ, किसी कोई दूसरा नुकसान तो नहीं हुआ, वहाँ पर कौन था जिस वक़्त वहाँ पर वो दीवारें गिरी थी, छत गिर पड़ी थी। तो सबसे पहले मैं इनका नाम बताता चलूँ आपका, इनका नाम सलीमा बेगम है। तो इवन सो मैं ये कार अच्छा एक बार जो तो तिजगन है शायद अंदर तो शेड वेड का अंदर है तो योर पास है इसे अंदर। अच्छा मतलब कि तो ये चले हो पता पता है तो किस पास चले हो पता ये पे हो तो बस पता है इसे आई थी है तो गई अंदर कुन योस पाथर पे। अच्छा किचन वगैरह वो सदा किचन किचन है उस किचन आते सो तो पान है मतलब तो शू यह 2 रज गमित आज पे डे राइट पट करमी योर उस उनमत। अच्छा मतलब कि असली छू तो यह है यह छू तो असली किचन। हां असली किचन तो बाकी शेड वेड है सारी आ हंते थे तो बाकी छू जैसे कमाई उन जरिए छू कमाई उन जरिए उस में के आते तो वही है ना। हां के गुजार किस पर छू तो कारण गुजार बस आग भी आग देवंत बस यही कारण है। बिल्कुल, तो देखिए आप इनकी यहाँ पर सुन चुके हैं कितनी दर्द भरी कहानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका बोझ इनके कंधों पे है, तो इनके कहने के मुताबिक एक दूसरा कभी मदद करता है यहाँ पर, कभी कोई शख्स मदद करके जाता है, तो उसी तरह इनका गुजारा होता है। तो इस बारे में हम मज़ीद गुफ्तगु करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एक जो जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है, उसके अलावा सियासी शख्सियत भी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो पंचायत टटानी है, तो जो PMAY यानी गरीबों के लिए जो केस आते हैं, मकान का केस आता है या दूसरा, तो वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं मिल रहा अभी तक, तो आप इस बारे में अभी तक आपने क्या किया है? सबसे पहले अशफाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से बारिशें बहुत तेज़ हो रही हैं और ये मकान जो है सलीमा बेगम का गिर गया है। इससे पहले भी हम यहाँ आए, यहाँ के जो सरपंच साहब हैं वो भी यहाँ पे मौका करके गए। जो बात आपने PMAY की कही, तो बदकिस्मती यहाँ की जो हम गरीब आवाम हैं उनकी, कि हमने पहले ऐसे शख्सों को चुना यहाँ पर जिन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए, अपनी प्रॉपर्टी बनाए। जब स्कीम लॉन्च हुई 2013-14 में PMAY की, तो उस टाइम यहाँ पे ऑनलाइन कराना था पूरी पंचायत में जितने भी गरीब लोग थे, लेकिन जो उस टाइम जिम्मेवार शख्स थे उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा, तो उस वजह से हमारी पंचायत पीछे रही। तो जो ही बाद में इलेक्शन पंचायत के हुए, जब नए यहाँ पे चेहरे चुन के आए, तो उन्होंने फौरन कदम उठाया और
लगभग 360 केस जो है वो ऑनलाइन कराए। तो क्या उनमें से जो वो वहाँ से कागजात जारी किए गए हैं या लिस्ट जारी की गई, क्या इनका नाम उसमें है? जी हाँ बिल्कुल, इनका नाम है। तो हमें पूरी उम्मीद है जो ही गवर्नमेंट वो पैसा रिलीज करेगी हमारी पंचायत का, तो हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि पहले ही लिस्ट में इनका नाम होगा। तो उसके अलावा मैं इनसे एक और बात पूछना चाहूँगा, तो त्रिवंता में राशन कार्ड कुछ होता है? राशन कार्ड जो ये बीपीएल है, मतलब कि देखिए यहाँ पर एक और नाइंसाफी की बात सामने आ रही है। ये वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने AAY का जुमरा रखा हुआ है ताकि इनको बिल्कुल सस्ते दामों राशन मिल सके और साथ ही साथ इनको खाना भी दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसे लोगों को मिली भगत करके BPL या APL के जुमरे में रखा जाता है। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। तो उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा जो यहाँ पर है, तो काफ़ी मौसलाधार बारिश हो रही थी यहाँ पर बर्फबारी, यहीं पे नहीं इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनके मकानों में जो है अक्सर दीवारें गिर चुकी हैं या छतों में सुराख हो चुके हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ पर लोगों को मुआवजा दिया जाए। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए ऐसी ताज़ा खबरों